हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 9 बजे से। हम लोग गए थे एक शादी के फंक्शन में, तो कुछ ऐसा है होटल का डेकोरेशन। उसके बाद हम गए होटल के ग्राउंड में, जहाँ पर सब लोग आ चुके थे। सब लोगों से मिलने के बाद हमने ली कुछ फ़ोटोज़। ये है मेरी सासू माँ, ससु जी एंड मेरा बेटा, और ये हूँ मैं, मेरी सासू माँ और मेरी दी। उसके बाद यहाँ चल रहा था फ़ोटो शूट। ये है दुल्हन की मम्मी और दोनों चाचियाँ, और यहाँ चल रहा है ग्रुप फ़ोटो शूट जिसमें मेरी सासू माँ भी हैं। उसके बाद प्रियांश और दादाजी ने किया साथ में डांस। और यहाँ चल रहा है ब्राइड का फोटो शूट। और बारात आने वाली है, तो ये सब खड़े हैं मेन गेट पर, जहाँ पर बारात का स्वागत किया जाता है। उसके बाद सबको लग गई थी भूख, तो सबने खाए फ्रेंच फ्राइज। मैंने भी लिए फ्रेंच फ्राइज और मैंने मम्मी को दिए। और ये रही हमारी आज की ब्राइड। और यहाँ हो चुकी है दूल्हे की एंट्री। दूल्हे के लेफ्ट साइड में खड़े हैं दुल्हन की मम्मी एंड पापा जी, दुल्हन के राइट साइड में खड़े हैं दुल्हन के सिस्टर। ये है होटल का अंदर का डेकोरेशन। और यहाँ पर है मंडप, जहाँ पर होते हैं फेरे। और ये हो रही है जूते चुराए की रस्म, जहाँ पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। और कुछ ऐसा है हमारा आज शादी का मंडप, जहाँ पर बीचों बीच रखा गया है विवाह का कुछ ज़रूरी सामान। और इसी मंडप के चारों ओर फेरे लगाकर हमारे कुमाऊँ का विवाह संपन्न होता है। और ये है हमारे कुमाऊँ के एक रस्म, जिसमें दूल्हे के पैर दुल्हन के पिताजी द्वारा धोए जाते हैं। उसके बाद हमको लग गई थी भूख, तो हम लोग गए मंचूरियन खाने। और कुछ ऐसा है फूड काउंटर का डेकोरेशन, जो कि बहुत ही अच्छा था, जहाँ पे बहुत साफ़ सफाई थी, और मुझे बहुत पसंद आया ये रेस्टोरेंट। उसके बाद हमने खाई आइसक्रीम। और ये हमारा दूल्हा, जो कि जयमाला के लिए तैयार है। और यहाँ पर हो चुकी है ब्राइड की एंट्री। और देखें हमारी ब्राइड कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पर जयमाला हो चुकी है। और ये हमारी कुमाऊनी ब्राइड का फुल लुक शादी के बाद का,
यहाँ पर चल रही है और दुल्हन ये की हो चुका है विदाई, वर पक्ष का डांस जो जो कि कि हमारे स्टेज वहाँ में कुछ है, इस तरह होती और है, ये हमारी जहाँ पर दुल्हन की ब्राइड मम्मी दुल्हन और उनके को सिस्टर्स। बाहर की ओर ले जा रही है। और यहाँ पर दुल्हा दुल्हन को परखा जा रहा है, जो कि 5 लोगों द्वारा किया जाता है, यहाँ पे 5 या 7, और यहाँ पर 5 लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो कि हमारी पुरानी परंपरा है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। और यहाँ चल रही है दुल्हन की विदाई, जो कि एक लड़की के लिए सबसे इमोशनल मोमेंट होता है लाइफ में। और आज का व्लॉग यहीं तक ही।